Assalamualaikum. This is Zukar Ahmed and it's our sixth lecture. In this lecture video we are going to discuss about Mendel law of independent assortment. First of all hum dekhte hain ki iski statement kya bata rahi hai. The Mendel law of independent assortment says that alleles for different traits are distributed to sex cell independently from each other. मीन जो डिफरेंट एलील्स हमारे पास हैं एक किसी करेक्टर की किसी जीन्स की, ठीक है, वो जब हमारे पास गैमेट्स बनते हैं तो उसको एक इंडिपेंडेंटली ये गैमेट्स में जाती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दूसरे डिफरेंट जीन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती. एक्चुअली द मेन थिंग इज दैट्स एक्चुअली इस क्लास में मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्लास कराया. मीन कि दो हमारे पास जो करेक्टर्स थे उनको एट ए टाइम जब उसने क्रॉस कराया तो हमारे पास कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आए. अब ये क्रॉस क्या था हमारे पास कि इसने एट ए टाइम यहाँ पे सीड की शेप एज वेल एज सीड का कलर दोनों चीज़ों को लेके जब क्रॉस कराया तो हमारे पास जो ब्रीडर्स थी वो डिफरेंट तरह के जनरेशन उसने ब्रीड की थी. वो हमारे पास क्या है उसको ज़रा हम समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज आर दी पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू पेरेंट्स, ठीक है. These are the parents contain RR YY. Mean these are the homozygous dominant character. RR for this yellow color and Y RR for rounded and YY capital for the yellow color. Similarly, here we have another parent which is the RR which is recessive. Mean it show that its shape is wrinkled because small R is for wrinkled and YY. It's green because here we have small y, that's why it's the green. So we the thing is that we cross rounded yellow parents with wrinkled green parents. Okay, these are our parents. हम लोगों ने हम round yellow और wrinkled parent को जैसे cross किया क्या होगा. अब जैसे हम इनको cross करेंगे तो cross करने के लिए इनके gametes बनाना लाजमी है. अब ये इनके गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स कैसे बने, हम लोगों ने आर यहाँ से लिया एक और वाई इसका यहाँ, एक एक जीन लेते हैं ना, बिकॉज हम लोग को मोनोहाइब्रिड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता रहा है कि वो जब उन्होंने गैमेट्स बनाते होते हैं वो क्या होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, हम एक एक गैमेट्स लिया. सिमिलरली वी टेक गैमेट्स हियर एंड सिमिलरली क्योंकि ये यहाँ से भी एक गैमेट्स लिया यहाँ से भी हमने एक गैमेट्स लिया. अब हम लोग जब इनको आपस में क्रॉस कराएंगे this is these are the gametes of one parents, this one also and this these are the gametes of the second parents. Okay, jab hum inko aapas mein cross karayenge to hamare paas sare ke sare homozygous heterozygous conditions wale offspring produce honge jaise ki hum yahan pe dekh rahe hain. problem yahan pe nahi tha, problem ye tha ki jab Mendel ne अब यहाँ पे F1 को F1 के साथ जब क्रॉस किया ये दिस इज F1 दिस इज आल्सो F1, जब F1 को F1 के साथ क्रॉस किया तो हमारे पास कुछ नए ट्रेट्स भी आ गए जो कि पेरेंट्स में मौजूद नहीं थे. फॉर एग्जांपल दिस वन इज द ग्रीन राउंड ग्रीन कलर, दिस वन दिस वन दिस दिस आर द राउंड ग्रीन कलर. हेयर वी से दैट्स बोथ आवर पेरेंट्स डजंट कंटेन एनी टाइप ऑफ सच करेक्टर. First parent is the round yellow, this one is the round yellow and second is the wrinkled green, but this is a new character which is the round green and here we also have another character which is the RRYY, mean this is the wrinkled yellow and wrinkled yellow, but here we see that wrinkled is green in parents, there is nothing any character which contain wrinkled yellow. This is the actually questions question for which this explain कि हमारे पास ये दो नए जो characters हमारे पास आ गए ये कहाँ से आए हैं. तो यही character explain कर रहा है कि हमारे पास wrinkled का genes मौजूद था, यहाँ पे yellow का भी gene मौजूद था, इन लोगों ने खुद को एक्सप्रेस किया है इनडिपेंडेंटली, इसकी कोई भी डिपेंडेंस नहीं है दूसरे जीन के ऊपर. अब होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास जो हमने पेरेंट्स को क्रॉस किया था यहाँ पे वो हमारे पास क्या थे राउंडेड थे और साथ में येलो थे, ठीक है, उनमें ऐसा जीन कोई भी मौजूद नहीं था रिंकेड वाला, तो वो उसी तरह खुद को एक्सप्रेस करते यहाँ पे भी. लेकिन इन्होंने यहाँ से एक नया जो जीनोटाइप हमारे पास आया, दिस इज द एविडेंस दैट्स ड्यूरिंग
formation of gametes or fertilization, gametes start independently from each other. वो एक दूसरे से independently start होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, depend नहीं करते. This is the law of Mendel law of segregation. और ये हमारे पास जो ratio आती है, वो आती है 9:3:3:1. Mean 9 हमारे पास क्या आएंगे, homozygous या heterozygous dominant character वाले आएंगे, जो के सारे हमारे पास कैसे करेक्टर रखेंगे, राउंडेड येलो रखेंगे. लेकिन 3 हमारे पास न्यू करेक्टर्स आ गए हैं, जिनमें एक डोमिनेंट होगा और जबकि दूसरा हमारे पास करेक्टर जो है इसमें रिसेसिव होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास राउंड तो इसका डोमिनेंट है, लेकिन ग्रीन रिसेसिव करेक्टर ने इसमें खुद को एक्सप्रेस कर दिया है. ठीक है, अनदर हमारे पास क्या आएगी कंडीशन, जिसमें हमारे पास राउंड जो है वो रिसेसिव खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि कलर उसका डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है, एंड लास्ट कंडीशन क्या है, जिसमें दोनों करेक्टर दूसरे को रिसेसिव जो कि हमारे पास पेरेंट्स में मौजूद थे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. दिस इज द अबाउट लॉ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. प्लीज गिव मी योर कमेंट्स एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.